हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको लेकर आया हूं अपनी टाटा पंच में, आप देख सकते हो। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो हमारा ये IRVM होता है, ठीक है, इसे हम डे और नाइट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे कि मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको सेट किया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ी सी सीट आगे कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको सेट किया हुआ है। ये कैसे, जो पीछे से हमें लाइट पड़ती है गाड़ी की, तो ये हमारी आंखों पे ना चुभे, उसके लिए कैसे ये इसे डिम किया जाता है और कैसे ये मतलब इसे डे और नाइट के मोड में कैसे चेंज करते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ गाइस कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जल्दी से बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दो अगर आप लोगों के पास भी ये प्यारी सी टाटा पंच है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। सबसे पहले तो आप लोग देख लो कि यहाँ पे एक पीछे के साइड पे एक नॉब मिलती है आपको। ठीक है, इस नॉब को इस टाइप से आप लोग करते होंगे। इसका क्या मतलब है वो आज आप समझते हैं। अगर हम ये देखें तो देखो, ऊपर के साइड पे देखोगे तो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, नीचे के साइड पे देखोगे तो क्लियर दिख रहा है, उसके और नीचे देखोगे तो और काला सा दिख रहा है आपको। ठीक है, विजिबल कर पा रहे होगे यहाँ पे। तो ये क्या चीज़ है, ये इस टाइप से ये क्यों फंक्शन करता है। जैसे हम डे में चलाते हैं, अगर दिन में हम गाड़ी चलाते हैं तो हम अपने जो मिरर को इस टाइप से एडजस्ट करके रखते हैं तो हमें पीछे का कुछ व्यू ऐसा दिखता है। आप मेरे पीछे भी गाड़ी देख सकते हो, खड़ी है। ठीक है, और जब हम नाइट में जाते हैं तो हम इसको शिफ्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, तो अभी आप देख पा रहे होगे कि कितने हद तक इसने पीछे की विजिबिलिटी को ब्लर कर दिया है, मतलब ब्लैकिश सा कर दिया है, जिससे कि जो पीछे की रोशनी होती है वो आँखों पर डायरेक्टली नहीं चुभती है। ठीक है, और इसी को अगर हम नॉब को नीचे की तरफ करते हैं तो देखो नॉर्मल हो गया, और ऊपर की तरफ करेंगे तो ये इस टाइप से हो जाता है, ये इस टाइप से काम करता है। ठीक है, दिन में यूज़ करने के लिए इस टाइप और रात में यूज़ करने के लिए इस टाइप, कि अगर आपके पीछे से कोई लाइट पड़े तो आँखों में ना चुभेगा इस। ठीक है, बाकी आपको मैं एक बार इसका भी एक्सपीरियंस दूंगा कि भाई हर्बन गार्डन का स्पीकर कैसा है। अब तो इस पर बैचिंग भी आती है। ठीक है, और एसी वगैरह भी काफ़ी अच्छा है गाइस गाड़ी का, और ये ऑटोमेटिक एसी है इसका, काफ़ी अच्छे फीचर हैं, काफ़ी डिसेंट। अब तो बेस मॉडल में भी सेम ही बना दिया है, बस कल यहाँ पे एक ऑटो का बैच जो लगा हुआ है वो नहीं है, और शायद ये बटन भी नहीं है उसमें, ये डायल ही है। और उसका एसी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि फ़ैन स्पीड अगर आप तेज करोगे तो उसमें दिया हुआ है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी डिस्प्ले पर मिलती है। और अभी बात कर लेते हैं कि गाड़ी माइलेज कितना दे रही है, सबसे बड़ा टॉपिक है गाड़ी भाई माइलेज कितना दे रही है। देखो सिस्टम ऐसा दिखता है माइलेज देने के लिए गाइज, अभी मैं आपको बताता हूँ, चालू जाने दीजिए। मैंने अभी फुल करवाया था इसको टंकी, तो इसमें देखते हैं कि हमें जो माइलेज गाड़ी दे रही है वो दे रही है 10.9। ठीक है, अब ये आप मान के चलो कि ये MID पे दिखा रहा है, रियलिटी में आपको 8 तक का माइलेज दे रही है ये सिटी में। ये सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ। हाईवे पे 17-18 का MID पे अगर शो कर रहा है तो ये मान के चलो 16-17 दे रही है। ठीक है गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेट हो जाता है, गाड़ी एक कॉन्स्टेंट स्पीड में चलती है, स्लो नहीं होती है, बार बार आप ब्रेक नहीं प्रेस करते हो। तो अभी ये देखो 92.2 किलोमीटर ट्रिप ए, ट्रिप बी भी सेम है क्योंकि मैंने रीसेट कर दिया था, और टोटल ये गाड़ी चली हुई है मेरी 1225 किलोमीटर। इसकी फर्स्ट सर्विस हो गई है, सेकंड सर्विस अभी ड्यू है, सेकंड सर्विस करवानी है मुझे। गाड़ी माइलेज दे रही है 10.9 किलोमीटर पर लीटर का, जो कि MID पे है। इसकी MID बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी लगती है, ड्राइवर के साइड पे थोड़ी सी टिंटेड है, हाँ जी थोड़ी सी टिंटेड है इधर की तरफ। ठीक है, तो इसका आप ये देख लो ओवरलुक। बाकी इधर आपको वही सुई वाला मीटर मिलता है पुराना वाला, इधर आपको डिजिटल मिलता है, और इसमें बस यही दिखाता है पावर टॉक। सेटिंग में जा सकते हो, सेटिंग में भी कुछ ऐसा ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, कलर वलर क्लॉक वॉक चेंज कर सकते हो। ठीक है, बैक आ जाते हैं, जो हमें डिस्टेंस टू MT दिखा रहा है वो 361 दिखा रहा है, फुल करने के बाद आई थिंक 400-450 के अप्रॉक्स दिखाता है, मैंने देखा नहीं है। और बाकी फ्यूल इकोनॉमी और ये सब है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। कर लेते हैं हम इधर की बात। तो भाई ये हर्मन गार्डन का सिस्टम है,
एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, बट ये वायरलेस नहीं है गाइस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको अपना इस टाइप का यूएसबी कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फ़ोन से, तब जाके ये आपको कनेक्ट होगा एप्पल सॉरी मैंने हज़ार्ड चालू कर दिया था, ठीक है। तो अभी इसकी बात कर लेते हैं कि ये हमें क्या दिखाता है। ओवरऑल स्कोर दिखा रहा है ये, अभी मुझे नहीं पता है, जिसको मालूम है गाइज वो बता सकते हो क्या है। ट्रैवल दिखा रहा है 6.1 किलोमीटर का हुआ है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 14.1 किलोमीटर का यहाँ पे दिखा रहा है, सेफ्टी 4.9 है, ड्राइविंग 4.9 है, इफेक्टिविटी 4.5 है, ठीक है। तो यार ये कैसे होगा, ये तो कुछ कुछ थोड़ा सा, ठीक है, अभी ये इस टाइप का दिखा रहा है। और यहाँ पे एक फंक्शन और है गाड़ी का जो भी बहुत अच्छा है गाइज, अगर आप जैसे मेरी गाड़ी भी देखो रुकी हुई है, ठीक है, रोड मैं खड़ा हुआ हूँ साइड में लगा के, ठीक है। अभी मैं इसमें एक फीचर है, कहाँ गया, पार्क असिस्ट, ठीक है, मैंने जैसे ही पार्क असिस्ट किया, गाड़ी इग्निशन मेरा बंद है, ठीक है, गाड़ी मेरी बिल्कुल बंद है, कोई इग्निशन ऑन नहीं है, बट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरे पीछे क्या चल रहा है। गाइज आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि मेरे पीछे क्या चल रहा है, आप चलती हुई गाड़ी पर देख सकते हो, ठीक है। पार्किंग ये देखो, ये मेरा कोई भी गियर इंगेज नहीं है, गियर मेरा न्यूट्रल है, ठीक है, दूर से दिखा देता हूँ मैं आपको इस टाइप से, गियर मेरा इंगेज नहीं है, और मेरे पीछे कोई आएगा तो वो भी बता देगा कि भाई आपके पीछे कोई बंदा बहुत पास है, पार्किंग सेंसर भी एक्टिवेट है, ठीक है। तो अभी इसको बंद करने के लिए यहाँ से क्रॉस करते हैं बंद, ठीक है। फिर यहाँ से थीम अगर आप चेंज कर सकते हो, थीम कलर है यहाँ पे, कलर यहाँ पे इस टाइप का डाल दो, ठीक है, तो इस टाइप का कुछ कलर हो जाता है। और भी कलर है, ठीक है, ये वाला है येलो, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये वाला है एक रेड टाइप का है, ठीक है, ऐसा कर दूँ तो कुछ इस टाइप से इसकी थीम चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी आप देखो इसकी थीम कैसी हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो रही है गाइस, तो यहाँ पर भी चेंज हो रही है, अगर आप देख सकते हो ब्लू था पहले, अभी रेड टाइप का हो गया है, और यहाँ पे जो मीटर है ये भी ऊपर रेड रेड में ही उठेगा। और गाड़ी में मैं बता देता हूँ, ये भाई हमारे यहाँ पे यहाँ के कंट्रोल्स हैं, ठीक है, यहाँ के कंट्रोल्स हैं, हम इससे यहाँ पे यूज़ करके अपना वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम नीचे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कमांड दे सकते हैं कॉलिंग का, ठीक है, और कोई कमांड नहीं लेगा ये गाड़ी का कोई कमांड नहीं लेता है, सिर्फ कॉल का कमांड लेगा। हॉर्न का प्लेसमेंट आप यहाँ देख सकते हो, एक अच्छा सा लोगो यहाँ पे बना हुआ है टाटा का, यहाँ पे भाई क्रूज़ कंट्रोल है, ठीक है, और यहाँ पे आप इसके कंट्रोल समझ लो, इसका कंट्रोल यहाँ पे है, यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इधर आ जाओ तो ये भाई हमारा ऑटो हेडलैम्प है, यहाँ से अभी ऑफ है, ये ऑटो पे चला गया, ठीक है, यहाँ से जल जाएगा, यहाँ से लेवल वगैरह आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इंडिकेटर दे सकते हो, और भाई ये वाइपर वगैरह यूज़ करने का कंट्रोल है, यहीं से आप पीछे का भी वाइपर एक्सेस कर सकते हो। पीछे का वाइपर के लिए मैं बता देता हूँ, ये जो नॉब है ना, इसको इधर करोगे तो ये पानी के साथ वाइप करेगा, और इस साइड की तरफ घुमाओगे नीचे की तरफ यहाँ पे, तो ये खाली वाइपर आपका करेगा, ठीक है। हैंड ब्रेक गाड़ी का मैंने बता दिया था, हैंड ब्रेक इफेक्टिव है भी और नहीं भी है, मतलब खड़ी गाड़ी पे लगाते हो तो ठीक है, पर अगर लगा के चला भी देते हो ना तो गाड़ी चल जाती है गाइस, उसमें फिर कुछ कह नहीं सकते, भी तो टाटा से इसके लिए बात करनी पड़ेगी भाई हैंड ब्रेक पे गाड़ी कैसे चल रही है। और एक इसकी एसी गाइस बहुत ही प्यारी है, एसी नो डाउट बहुत ही जल्दी कर देती है ठंडा, ठीक है। इधर आ जाते हैं तो भाई ORVM के हमारे पूरे एडजस्टमेंट यहाँ मिल जाते हैं, क्योंकि गाड़ी टॉप मॉडल है, लेफ्ट राइट और इसको बंद करने का भी ऑप्शन यहीं से है, ठीक है, इसको ऐसे खींचेंगे तो ये हो जाएगा अंदर की साइड में, तो ये खुल जाएगा। बाकी गाड़ी का पिलर ये बात कर लेते हैं, गाड़ी का जो पिलर है भाई, इस पिलर को ना कुछ करना चाहिए टाटा को, इतना मोटा पिलर है। कल मैं आ रहा था, अब ये जैसे ऑटो आ रही है, अब ये ऑटो अगर इस पोस्चर पे रहेगी तो नहीं दिखेगी, और वही मैंने किया, मैंने स्टीयरिंग काट दी, और जब एकदम ऑटो लड़ने लड़ने तक हो गई थी तब मुझे पता चला कि यार ऑटो है आगे। अभी गाड़ी के इग्निशन को करते हैं बंद,
ठीक है, यहाँ से इसको बंद कर दिया। पीछे का कुछ खास बताने का नहीं है, पीछे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं पीछे भी, और गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर एक मिरर मिल जाता है, ये लाइट है, पता नहीं किस टाइप से टाटा ने बनाई है, मुझे समझ नहीं आता है। और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर, इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर हमने यहाँ पे धूप पड़ रही है सामने से तो हम तो यहाँ लग कर लेंगे, बट अगर इधर करना होगा तो भाई इधर करने के लिए यहाँ पे एक हुक होता है। यहाँ पे ये हुक कहाँ है भाई टाटा, ये चीज़ तो हमें बताओ कि यहाँ हुक होता है, यहाँ पे ऐसे लगता है ये। चलो कोई नहीं, कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट होगा इसका, तो हम ऊपर कर लेते हैं अभी के लिए। चलो वीडियो बंद करते हैं यार गाइज, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है टाटा पंच पर वीडियो तो बताओ, दूसरे वीडियो में आपको इसकी साउंड सुनाएंगे कि कैसी है हामन गार्डन की, ठीक है। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज चैनल को। बाय बाय।